ब्यूटीज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी रीडन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि आज की वीडियो होने वाली है मिस्टर DIY के स्टोर के ऊपर। तो इस स्टोर के बारे में ना मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और देखा था कि यहाँ पे बहुत चीप प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं अंडर 100 और बहुत ही सारी बातें मैंने इसके बारे में सुनी थी। एंड यहाँ पे ना आपको किचन से रिलेटेड कुछ DIY से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड, जैसे अगर बॉयज़ भी है ना तो वहाँ पे आप लोगों का भी मतलब कार से रिलेटेड या होम से कुछ भी जो घर की चीज़ें होती है ना बेसिकली उससे रिलेटेड ना वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैं और मेरा भाई ना कल उस स्टोर में गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार पूरा उसका ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वहाँ से क्या लेके आए हैं। सो इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम साक्षी, आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, मेकअप, स्किन केयर, फूड, ट्रैवल एंड मच मोर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इन टू द वीडियो। सो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मिस्टर DIY जो है कमला नगर में, नियर जूडियो रिलायंस का जो ट्रेंड शोरूम है डीकैथलॉन के ऑपोजिट, तो ये सारे ना इसके नियर बाय पड़ते हैं। बेसिकली इट्स इन कमला नगर मार्केट। तो जैसे ही मैंने एंटर किया और मैंने DIY स्टोर देखा ना, तो आई वॉज लाइक कि जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। एंड मैंने इसके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा सुना था कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी कि ये कितना रीजनेबल है या क्या इसके प्राइसेस हैं। सो जैसे ही मैंने एंटर किया ना, तो यहाँ पे मुझे इस तरह के वास मिले एंड दिस इज़ फॉर 210 रुपीज़। जैसे ही मैंने इसको उठाया ना, तो ये बिल्कुल प्लास्टिक से बना हुआ था, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। बट अगर बात करते हैं प्राइस की, तो मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। 250 का भी था, 300 के भी थे, बट ये बिल्कुल प्लास्टिक से बना हुआ था। नो डाउट देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देन आपको कुछ इस तरह के बॉक्सेस मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको ना यहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें मिलेंगी बिकॉज इसका नाम ही है मिस्टर DIY, तो आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। देन यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगी LED लाइट्स, और ये LED लाइट्स ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी एंड ये थी 250 रुपीज़ की, 300 रुपीज़ की। तो ये वाला जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, इसके अंदर ना लाइट जलती है। सो अब आ जाते हैं कुछ इस तरफ एंड यहाँ पे ना कुछ आपको ऐसे टी लाइट होल्डर्स वगैरह मिल जाते, यहाँ पे आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे एंड कुछ इस तरह के आपको ना आर्ट पीसेस मिल जाएंगे। तो फ्रेम की बात करें, फ्रेम थे 450 या 500 समथिंग के, तो ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा एंड इसको देख के ना मुझे आर्चीज़ की याद आ गई। आर्चीज़ में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरह के हैंग करने के लिए भी आपको ना मिल जाएंगी चीज़ें एंड ये भी अराउंड 400 या 500 समथिंग की ही थी। फिर यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। सो ये वाला जो फ्रेम था ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट था एंड ये भी अराउंड 450 ही था। तो अगर बात करते हैं यहाँ के प्राइसेस की, तो मुझे प्राइसेस ना काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल तो नहीं लगे, बट एक बार आपको ना ज़रूर विजिट करना चाहिए। हो सकता है कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ यहाँ पे मिल जाए या आपको प्राइसेस ठीक लग रहे हो। सो कुछ इस तरह की क्लॉक्स यहाँ पे थी, तो नो डाउट क्लॉक्स का जो यहाँ पे डिज़ाइंस थे ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उनमें से ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड यूनिक थी एंड अगेन ये भी ना फाइबर से ही बना हुआ था, जो प्लास्टिक वाला फाइबर होता है ना उससे ही बना हुआ था। तो कुछ इस तरह के कलर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। जो क्लॉक है उसकी स्टार्टिंग थी 800-900 समथिंग एंड जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो थी 1300 रुपीज़ की। तो इनमें से ना ये लेवेंडर वाली मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी एंड ये थी अराउंड 800 या 900 की। तो बहुत ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉक्स की तो भरमार लगी हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। एंड अब बात करते हैं उसके ऑपोजिट सेक्शन की, तो यहाँ पे ना आपको समथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल मिल जाएगा, मतलब गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, USB वगैरह मिल जाएंगी। तो ये सारी ना टेक्निकल चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, विच इज़ दी बेस्ट थिंग। मतलब मैंने फर्स्ट स्टोर ऐसा देखा है जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देन यहाँ पे आपको कुछ फ़ोन के केसेस मिल जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट थे एंड प्राइसेस इनके मुझे अच्छे लगे। ये थे 150, 160, 200 के एंड ये बेसिकली सारे आईफोन के ही यहाँ पे थे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे नहीं था कुछ भी, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मेरे लिए कोई कवर मिल जाए। तो एनीवेज़ अब आते हैं ये मिरर वाले सेक्शन में, तो बात करते हैं मिरर की। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो ये सर्कल वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा एंड इसका प्राइस था 1300 समथिंग एंड कुछ इस तरह के यहाँ पे मिरर्स भी लगे हुए थे। एंड फिर आ जाते हैं अगेन टेक्निकल सामान की तरफ, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या यूजेस हैं इनके। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली यू शुड कम हियर। यहाँ पे आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड अगर बात करते हैं टूल्स की ना, तो टूल्स के जो प्राइस थे वो भी मुझे ठीक ठीक लगे। तो यहाँ पे ना आपको सारे टूल्स की भरमार मिल जाएगी, मतलब कोई ऐसा टूल नहीं होगा कि यहाँ पे आपको ना मिले।
तो अब इन टूल्स का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि ये सारा जो है ना वो मे बी टेक्निकल या ये मशीन से रिलेटेड ही हैं, तो मेरे को इनका नेम्स नहीं पता है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको लॉक भी मिल जाएंगे, डोर पे लगाने वाले आपको लॉक्स मिल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी, यहाँ पे 500-400 ये कुछ आपको नेल्स मिल जाएंगी 50 रुपीज़ की, 70 रुपीज़ की। फिर यहाँ पे ना आपको कुछ वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी लाइक जेट स्प्रे या टैप्स एंड ऑल। फिर जैसे ही थोड़ा आप आगे आओगे ना आपको कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये वाला सेक्शन। एंड कुछ इस तरह की मैं ना लीव्स देख रही थी, तो ये थी 450 रुपीज़ का एक सेट जो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा क्योंकि ऐसे ना आपको अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा या अगर आप मार्केट 99 जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड क्वालिटी वॉज अमेजिंग। तो अब बात करते हैं इन फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे एंड ये थे 250-300 समथिंग। तो अब आ जाते हैं पॉट्स की तरफ, तो ये ना प्लास्टिक के पॉट्स थे, ये भी अच्छे लगे मुझे। एंड उसके साइड में आपको कुछ सारा गार्डनिंग का सेक्शन मिल जाएगा। तो इन्होंने ना हर चीज़ को सेक्शन वाइज बांटा है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है उससे। देन यहाँ पे ना आपको लॉन्ड्री बैग मिल जाएंगे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट प्राइस अगेन वॉज बिट एक्सपेंसिव, 450-500 समथिंग का था। फिर आ गए यहाँ पे डस्टबिन पे एंड ये भी 500-400 समथिंग के थे, नो डाउट क्वालिटी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। फिर आते हैं इन फर वाले मैट्स के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे एंड ये थे 3000-4000 समथिंग के। और यहाँ पे आपको सारा ऐसे मैट्स वगैरह मिल जाएगा, टॉल्स मिल जाएंगे, सो हर चीज़ के ना यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा जो इसको बहुत ज़्यादा इजी बनाता है। फिर आते हैं अगेन मिरर की तरफ, क्यों बैक साइड पे मैंने ये मिरर्स देखे नहीं थे, तो यहाँ पे आपको ऐसे लंबे वाले मिरर्स भी मिल जाएंगे, ये थे 1500 समथिंग के, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे नो डाउट। एंड ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये भी 1500 या 2000 के बीच में ही था। फिर आपको यहाँ पे टॉयलेटरीज मिल जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है एंड ये ना इनका खुद का ही ब्रांड है, तो यहाँ पे आपको लाइजॉल काइंड ऑफ जो भी हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना तो वैसा ही मिलेगा बट इसमें इनका ब्रांड का नेम मेंशन होगा। तो सारी यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आते हैं डस्टबिन की तरफ, तो डस्टबिन में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी मुझे लगी एंड ये जो अल्फ़ाबेट वाला था ना ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। फिर यहाँ पे इस तरह के आपको सिपर्स मिल जाएंगी, बॉटल्स मिल जाएंगी। तो अगर बात करते हैं इन छोटू सी प्लास्टिक बॉटल्स की ना, तो बॉटल्स थी 100 रुपीज़ की। और फिर आ गए यहाँ पे किचन सेक्शन की तरफ, तो किचन सेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे भरमार मिलने वाली है लिटरली। तो अगर बात करते हैं स्टोर की ना, तो ये पूरे स्टोर के अंदर ना आपको घर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है ना सब कुछ आपको ऑल इन वन यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे मग्स थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, ये भी थे 100 रुपीज़ के, 150 रुपीज़ के। तो बहुत ज़्यादा वेराइटी यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ इस तरह की आपको क्रॉकरीज मिल जाएंगी, ये भी मुझे क्यूट सी लगी एंड कलरफुल थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस थे, प्रिंट्स थे। देन यहाँ पे आपको स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाएंगे, स्टोरेज बॉक्सेस ना नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे यहाँ पे, क्वालिटी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी बट अगेन प्राइसेस मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा हाई लगा तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। तो यहाँ पे ना स्टोरेज बॉक्सेस का प्राइस स्टार्ट था 300 या 400 से, वो भी सबसे ज़्यादा छोटे वाले। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह के मैट्स थे, मैट्स की क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देन यहाँ पे कुछ इस तरह के घर के स्लिपर्स लगे हुए थे एंड ये तो आई गेस अभी गर्मी हो गई है तो गर्मियों में दिल्ली में तो मतलब नहीं पहनने वाले हैं हम लोग, बट मैंने सोचा कि इसको भी मैं कैप्चर कर लूँ। देन यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगी, कैप्स मिल जाएंगी। फिर आते हैं यहाँ पे बैग्स के सेक्शन में, तो जैसे ही मैंने एक यहाँ पे एक बैग चेक किया ना वो था 2000 रुपीज़ का एंड 2000 रुपीज़ लायक ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से बैग्स वगैरह तो बिल्कुल भी मत देखना। अगर आपको कुछ घर से रिलेटेड चीज़ें लेनी है, किचन से रिलेटेड लेनी है या कुछ कार से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड या टैप्स एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों के लिए तो ये बेस्ट जगह है। फिर आई मैं ज्वेलरी के सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक बार ज्वेलरी एक्सप्लोर की जाए। तो ज्वेलरी स्टार्टिंग थी 50 रुपीज़ से, तो अच्छा था यहाँ पे ज्वेलरी का सेक्शन, मुझे क्यूट सा लगा। यहाँ पे आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, इयररिंग्स मिल जाएंगे, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा क्यूट सी थी। एंड देन यहाँ पे आपको ना ऐसे कंटेनर्स मिल जाएंगे जो ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। फिर यहाँ पे आपको बेड शीट्स मिल जाएंगी, टॉल्स मिल जाएंगी, तो इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। अगर बात करते हैं क्वालिटी की तो नो डाउट क्वालिटी वॉज नाइस, तो हो सकता है प्राइसेस उसी के हिसाब से हैं सारे। तो यहाँ पे ना DIY का सामान तो बहुत अमेजिंग मिलता है, तो जितने भी आप DIY लवर हो ना यू शुड डेफिनेटली कम हियर। ऑलराइट, सो आई होप आपने पूरा ये वीडियो देख लिया होगा या पूरा स्टोर एक बार देख लिया होगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड आई होप कि कुछ आपसे रिलेटेड भी वहाँ पे मिलता हो। सो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो ये है कि जैसा मैंने सुना था ना कि ये स्टोर बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे उतना ज़्यादा चीपेस्ट नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी आपको झूठा रिव्यू दूं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आप लोगों को वो ठीक लग रहा होगा प्राइसेस, बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगे एज़ कम्पेयर टू जो मैंने उसके बारे में सुना था। सो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो अब हम ना वहाँ से कुछ इस तरह का सामान लेके आए हैं एंड बेसिकली ये सारा सामान ना मेरे भाई ने ही उठाया है क्योंकि सारा मोस्टली गाड़ी से ही रिलेटेड है एंड आपको पता है कि जहाँ पे भी बॉयज़ को ये कार से रिलेटेड चीज़ें मिलती है ना तो बॉयज़ भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम हैं तो हम तो झुमकी एंड ऑल इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं कि हम क्या क्या वहाँ से लेके आए हैं। सो सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेसिक सा ये सीजर्स है जो किचन के लिए है एंड ये काफ़ी टाइम से हमें चाहिए भी थी एंड दिस इज़ फॉर 89 रुपीज़ एंड आई थिंक वहाँ पे ना कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि कोई टोटल बिलिंग पे कोई डिस्काउंट मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक सीजर ली है, दिस इज़ फॉर 89 एंड आई गेस 89 इस सीजर के लिए ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से है, ये कुछ टूल है और ये हमें काफ़ी टाइम से चाहिए था, मतलब उसको काफ़ी टाइम से चाहिए था। एंड अगर बात करते हैं इन बेसिक टूल्स की ना तो बेसिक जो टूल्स है इनका प्राइस मुझे ठीक लगा, नॉट बैड। तो इसके अंदर ना आपको दो ये स्क्रू वाले मिल जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से लगते हैं एंड ये ऐसी चीज़ है कि ये सबके घर पे ही ना होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एंड दिस इज़ फॉर 79 रुपीज़। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है तो मोस्टली जितने भी टूल्स हैं ना वो हमने घर से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड या गार्डनिंग से रिलेटेड ही लिए हैं। सो नेक्स्ट जो है वो ना इस तरह के टूल्स हैं, ये प्लांट्स वगैरह के लिए, मतलब गार्डनिंग करने के लिए, अगर आपको शौक है ना कि आपके घर पर बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। तो कुछ इस तरह के ये है, आउच, तो कुछ इस तरह के ये टूल्स हैं। ये 3 का सेट है, एक सेट पता नहीं उसने कहाँ रख दिया है, कहीं यूज़ कर लिया होगा एंड दिस इज़ फॉर 270 रुपीज़। तो ये 270 के ना सिर्फ 3 हैं, तो ये कुछ इस तरह से लगते हैं एंड 270 के आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं है, बट ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम है और इसके बारे में ना मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो पता नहीं है उसने क्यों पिक कर लिया है, वो यूज़ कर रहा है बट मैंने तो अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, ना ही मैं करने वाली हूँ इसको। तो ये ना कुछ इस तरह के टूल्स है और इससे ना कुछ ईयर, मतलब ये ईयरबड का काम करेगा, ईयर पिक करके इस पर लिखा हुआ है तो ये ईयरबड का काम करेगा एंड इसके ना अंदर ऐसे लाइट जलती है सो दैट आप जब इसको अपने ईयर में डालोगे ना तो कुछ आपको दिखता है एंड देन यू कैन रिमूव ऑल ऑफ योर डर्ट एंड ऑल। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है एंड ये 3 का सेट है और इसके साथ ना आपको और भी यहाँ पे अटैचमेंट्स मिल जाएंगी एंड दिस इज़ फॉर 76 रुपीज़। तो ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट ट्राई करना है तो नॉट बैड। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिया है वो जो फ्रेगरेंस से रिलेटेड है, तो ये मेरी सिस्टर ने ही लिया है ऑफकोर्स। तो ये कुछ इस तरह का फ्रेगरेंस वाला पाउच है, यू कैन हैंग इट यहाँ से, कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हो एंड दिस इज़ फॉर 82 रुपीज़। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ, ये है 57 रुपीज़ का एंड ये भी आई गेस उसने गाड़ी के लिए ही लिया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो इससे अपना कुछ शीशा वीशा साफ़ कर लेगा कार का। तो ये मुझे इसका प्राइस ठीक लगा, तो मेरे भाई ने ना काफ़ी ज़्यादा प्राइस देख देख के ही चीज़ें ली हैं। तो ये कुछ इस तरह का क्लॉथ है एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, जैसे हैंकी होता है ना, तो कुछ उस तरह का है ये एंड आई गेस इसको ना आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज माइक्रोफाइबर जो टाल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं आपके फेस के लिए भी। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इसने लिया है रेन प्रूफ मेम्ब्रेन, ये ना जो साइड वाले जो शीशा होता है ना कार का, मैं भूल गई उसको, साइड मिरर्स, तो ये उसके लिए है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या काम करेगा बट दिस इज़ फॉर 89 रुपीज़ और जब भी वो उसको यूज़ करेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, मे बी बॉयज़ को ये पता हो। एंड ये तो कुछ बेड वेड में डालने के लिए, फ्रेगरेंस के लिए है। और नेक्स्ट जो टूल है वो कुछ इस तरह के छोटे वाले टूल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एंड ये मिला है हमें, इसका प्राइस कहाँ लिखा है, इस पर ना प्राइस मेंशन नहीं है, सो मे बी ये होगा 100 या 150 समथिंग का होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ इस तरह का टूल लिया है एंड कुछ यही हमारी शॉपिंग थी। सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना ये मेरे भाई ने लिया एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अकॉर्डिंग टू हिम एंड या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई होगी तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।